अब खबर रायपुर से, जहां पर सन एंड सन ग्रुप द्वारा काफी सराहनीय काम किया जा रहा है। संकट की इस घड़ी के दौरान कोरोना वॉरियर्स को भोजन उपलब्ध कराने का काम कराया जा रहा है। लॉकडाउन के शुरुआती दौर में अब तक निरंतर भोजन व्यवस्था की जा रही है। सन एंड सन ग्रुप के इस प्रयास से रायपुर SSP आरिफ से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने सदर बाजार पहुंचकर विभाग की जमकर सराहना की। आपको बता दें कि संपूर्ण भोजन व्यवस्था में साफ सफाई और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कैलाश चंद्र शर्मा, डॉक्टर ब्रजमोहन शर्मा और राजेंद्र शर्मा के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोरोना योद्धाओं को घर के खाने की कमी महसूस न होने दी जाए, इसलिए सभी ने मिलकर उन तक खाना पहुंचाने का फैसला लिया। इस मामले में रायपुर SSP आरिफ शेख ने बताया है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से जवानों को दोनों टाइम का खाना दिया जा रहा है। हाइजीनिक तरीके से खाना बनाया जा रहा है। पुलिस कर्मचारी भी खाना बनाने में और उसे बांटने में सहयोग करते हैं। बहुत ही बड़ी भूमिका है कि जवान खाने की क्वालिटी को लेकर काफी खुश हैं। वहीं सन एंड सन के बिजनेस डेवलपमेंट राजेश शर्मा ने बताया है कि कंपनी के सदस्य कैलाश चंद्र शर्मा, ब्रजमोहन शर्मा, राजेंद्र शर्मा, उन्होंने निर्णय लिया कि इस महामारी के समय, संकट के समय यदि समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो सौभाग्य की बात है। और हमारा प्रयास है कि जिस प्रकार की यहाँ से खाना पुलिस विभाग, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, बिजली विभाग और इस तरह के लोग खाना, इस तरह के लोगों को खाना यहाँ पर दिया जा रहा है और अच्छे से खाना बनाकर उन तक पहुंचाया जा रहा है, एक अच्छी पहल है। सन एंड सन ग्रुप ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये सन एंड सन ग्रुप के जो वरिष्ठ हैं कैलाश चंद्र जी शर्मा, डॉक्टर ब्रजमोहन जी शर्मा, राजेंद्र जी शर्मा, संयुक्त रूप से उन्होंने निर्णय लिया कि इस महामारी का दौर है, बड़ा संकट का समय है, तो इस समय अगर समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो ये एक सौभाग्य की बात है। और हमारा प्रयास ये है कि जिस प्रकार की यहाँ से खाना जो है पुलिस विभाग, स्वास्थ्य कर्मी, आपके सफाई कर्मी, बिजली विभाग, इस तरह के लोगों के लिए जा रहा है, तो हम उनको अच्छे से अच्छा खाना, स्वच्छ खाना, बड़ा हाइजीनिक खाना उन तक पहुंचा सके, यही हमारा प्रयास है। जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से जवानों को जो पूरा दो टाइम का जो खाना जा रहा है वो साइंस के द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही संवेदनशीलता को परिचय देते हुए बहुत ही हाइजीनिक तरीके से ये खाना बना रहे हैं और उसमें हमारे पुलिस कर्मचारी भी सहयोग करते हैं खाना बनाने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो बहुत ही बड़ी भूमिका है ये, जवान काफी मोटिवेटेड है और खुश है खाने की क्वालिटी को लेकर। उनके साथ साथ इनके द्वारा सैनिटाइजर और सूप का भी इंतजाम किया था, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।